सर मैं ग्रुप 9 से हूँ, अभी 12 अक्टूबर को ग्रुप मैंने ज्वाइन किया है। क्या बात है, अभी तो 4 ही दिन हुए हैं भाजी, आप तो नए भर्ती हो। जी जी जी, जहाज पे व्हील ने आपको बहुत अच्छा ट्रेन किया है, जहाज पे व्हील हैज ट्रेन्ड यू वेल, इतनी जल्दी आदि कर दिया है जी। बोले जी बिल्कुल, और वजीफा जो है वो मुझे 3000 बिस्मिल्ला है, और एक दफा यासीन विद मुबीन है, और या लतीफो 6000 है। गुड, तो शाह साहब वैसे तो 3 माह से मैं कनेक्ट हूँ आपसे, तो मुझे बिस्मिल्ला वो 3000 में कर रही थी, आपने इजाजत दी हुई थी। उस टाइम मेरी टेस्ट मैनी जो थी वो ये थी कि मेरा साइड वाला दांत टूट गया, तो वो हंसते हुए या बात करते हुए बुरा लगता था। मैंने डॉक्टर साहब से जाके बात की तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे लिए ट्रीटमेंट सिर्फ एक दांत का करूं और पेच लगाऊं तो ये 1,00,000 रुपए इसका खर्चा है। और एक अगर पेच के 1,00,000 भाई, क्या सोने का पेच लगा रहा है क्या, क्या कर रहा है भाई? अगर पेच हड्डी में जाके पेच लगाते हैं उनका 3 महीने ट्रीटमेंट है और 1,00,000 रुपया उस पर लगेगा। अच्छा, वो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अगर इस दांत का मैं ट्रीटमेंट दूसरे पॉइंट पे करूं तो इसके साथ कवर लगाऊं तो ये मैं 70,000 रुपया लूंगा आपसे, तो बाकी 2 दांतों को भी कवर लगेगा। फिर ये कैप, अब फिर मेरे पास तो शाह साहब उस टाइम पैसे नहीं थे, मैं बड़ी परेशान, मैंने वही उन्हीं की उसी सीट पे बैठे बैठे ना मैंने बिस्मिल्ला को मैंने शुरू कर दिया, और एक दफा औजुबिल्ला और 19 दफा बिस्मिल्ला में लगातार मैंने दिल में पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो डॉक्टर साहब थोड़ा देर सोच साझ के तो मेरे पास आके कहते हैं कि एक और तरीका है, अगर मैं आपका ये कर दूं तो आपके ना मतलब पेमेंट थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैंने कहा वो क्या, वो कहते हैं कि एक ऐसा तरीका है जो कि मैंने कई किताबों में भी नहीं पढ़ा लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं आपको ना इस तरह दांत से किसी बकरे का दांत निकाल के लगा दूं, सिर्फ बकरे का खर्चा है। बकरे के 6 दांत होते, 4 दांत का या 2 दांत का, 1 दांत निकाल।